सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे शाहीन बाग से दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता चिराग गोठी सीधे मौके से जुड़ गए, हम उनका रुख करेंगे। शाहीन बाग में मौजूद तो दरअसल शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट था उसको खाली कराने की कवायद शुरू हो गई। यहाँ पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। हमारे साथ जॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव भी मौजूद है। सर, क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें जो जैसा आप लोग हमेशा बताते आए हैं कि हम लोग लगातार अपील करते रहे और इस समय जो ये कोविड 19 का जो ये डेंजर लर्ज कर रहा है, दिल्ली लॉकडाउन में है, देश के कई शहर लॉकडाउन में है, तो कई बार हम लोगों ने उसे अपील की इस प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए क्योंकि ये लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। और आपने जैसा हमेशा रिपोर्ट किया कि काफ़ी लोग यहाँ के जो फेवर में भी थे कि इसको कॉल ऑफ किया जाए, और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हैं उन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किए हैं कि किसी भी तरह की कोई गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। तो लिहाजा इनसे हम लोगों ने बातचीत की और फाइनली हम लोगों ने ये किया है कि हम इसको क्लियर करेंगे ताकि लोगों की जान हिफाजत में रहे और कहीं पे भी किसी को कोई इस तरह का जोखिम नहीं उठाना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही संक्रमण वाली बीमारी है और पूरे विश्व में पेंडेमिक की तरफ फैल चुकी है। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये रहेगी कि शांतिपूर्वक हम लोग इनको अपील जैसा आप देख रहे हैं हम करते जा रहे हैं, तो शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन को हटा दिया जाए। और ये रोड भी क्लियर करना एक हमारा उद्देश्य है, क्योंकि अगर किसी तरह का एम्बुलेंस का या कोई जो एसेंशियल सर्विसेज मूवमेंट होते हैं, क्योंकि शहर में पहले ही आप देख रहे हैं कि लगभग लॉकडाउन की स्थिति है, तो कम से कम जो व्हीकलर मूवमेंट है या कहीं जो इमरजेंसी मूवमेंट्स है खास तौर पे वो सामान्य रहें, क्योंकि ये NCR को जोड़ने वाली एक बड़ी रोड है। सर, इनके अगर ये लोग नहीं मानते शांतिपूर्ण तरीके से तो क्या बल प्रयोग किया जाए? देखिए, जहाँ तक हटाने की बात है कि हम लोग इनसे अपील कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई मौके पर होगी हम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता चिराग गोठी लगातार बने हुए। चिराग, फिलहाल किस तरह की स्थिति है और क्या जो यहाँ पर धरने पर बैठे लोग हैं मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, यहाँ पर अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दृश्य किस तरह से यहाँ पर जो पूरा टेंट है उसको उखाड़ने की कार्रवाई चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं टीयर गैसेस के साथ। पुलिस का कहना था जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बनी है उसके आधार पर एकाएक सुबह सुबह निर्णय लिया गया। हालांकि रात से हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह जो है अब कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए, यहाँ पूरे टेंट को यहाँ से हटाया जा रहा है, पूरी तरह से शाहीन बाग को खाली कराने की कवायद चल रही है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का कहना है कि धारा 144 लागू है दिल्ली में, और ऐसे में ये कहीं ऐसा ना हो संक्रमण फैल जाए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है जो आसपास के इलाकों में लोग हैं उनको मना किया जा रहा है वो छतों पर ना रहें, क्योंकि यहाँ डर रहता है कि कोई पत्थरबाजी ना हो जाए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखिए ड्रोन से इसकी पूरी नजर रखी जा रही है। महिला फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है। एक तरफ ये दृश्य है किस तरह से शाहीन बाग को खाली कराने की लगातार जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। टेंट यही वो मेन टेंट था जो पूरी रोड पर यहाँ पर बिल्कुल रोड के बीच में था, जिसको हटाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बनी है उसके बाद ये ऑर्डर जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है, रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, इसी वजह से कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया गया। मैं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितने लोग यहाँ पर गली में मौजूद थे। तमाम जो गलियां कनेक्ट होती है इन, देखिए रात से ही हलचल हो गई थी, जैसे मैं शशि बता रहा हूँ कि वहाँ काफी लोग उस समय तैनात थे और लोगों ने हमें फोन भी किया कि पुलिस की कार्रवाई चले, लेकिन ये एक रूटीन होता था रात में, हमेशा पुलिस आती थी समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सुबह इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सुबह ही हमें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से कार्रवाई हुई, और एकाएक आधे घंटे पहले डिसीजन हुआ, यहाँ पर तमाम फोर्स जो है पहुंची। और इसके बाद आप देखिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है, चारों तरफ जो है ये टेंट उखाड़ने की प्रक्रिया चल रही है, चारों तरफ पुलिस तैनात है, पुलिसकर्मी खुद वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। ये देखिए हेलमेट पहने हुए, तो ये तमाम जो कवायद है पूरी गलियों को एक तरह से सील कर दिया गया। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो प्रोटेस्टर्स यहाँ से इस तरफ की यहाँ से भाग कर अंदर आ जाएं। ये पूरी गलियों को देखिए पहले ही दिल्ली पुलिस ने सील कर दिया है, वहाँ देखिए कितनी पुलिस तैनात है। मैं अपने कैमरामैन कुलवंत से कहूँगा पीछे की दृश्य दिखाएं, यानी अब पूरी तरह से शाहीन बाग को खाली आधे पौने घंटे में करा लिया जाएगा, और ये कवायद जो है अब दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बिल्कुल चिराग, आप बने रहे, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को समझा बुझा कर उठाया जा रहा है।